सरकार की ओर से पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका जैसे गंभीर रोग से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन गांवों में हालात ये है कि पशुपालक टीकाकरण को लेकर रुचि नहीं ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीकाकरण के लिए जा रही टीम पर पशुपालक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। पशुपालकों में भ्रम है कि कहीं टीकाकरण के साथ पशुओं के कानों पर लगाए जा रहे टैग से उक्त लोग पशुओं पर लोन नहीं उठा ले। हालांकि टीकाकरण के लिए जा रहे पशु चिकित्सा कर्मी पशुपालकों की समझाइश कर रहे हैं, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अभियान का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। उधर टीम का कहना है कि यदि गांवों में 50 पशु हैं और उनमें से 40 के टीके लग गए और 10 शेष रह गए तो 10 का संक्रमण वापस 40 में फैल सकता है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि सरकार की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें टीकाकरण के साथ ही पशु के कान पर टैग लगाया जाना जरूरी है, ताकि इस बात की पहचान हो सके कि उक्त पशु का टीकाकरण किया जा चुका है। लेकिन उक्त टैग को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो रखी है। पशुपालकों की माने तो उनमें डर है कि कहीं टैग लगाकर पशुओं पर लोन नहीं उठा ले, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग टीकाकरण कर रहे हैं वो पशु चिकित्सा विभाग के कार्मिक है, कोई बैंक या कंपनी के व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि कई पशुपालक टीकाकरण करवाने से पीछे हट रहे हैं, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति में भी बाधा आ रही है। वहीं पशुओं को रोग से बचाने के लिए सुरक्षा चक्र भी टूट रहा है। डॉक्टर जावेद ने पशुपालकों से आग्रह किया है कि टैग केवल इस बात की जानकारी के तौर पर लगाया जा रहा है कि उक्त पशु को टीकाकरण किया जा चुका है, इससे किसी प्रकार का लोन से कोई संबंध नहीं है। पशुपालन विभाग की ओर से जो FMD CP का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें इस बार जिन भी पशु में टीका लगाया जाएगा उनके कान में टैग लगाना अनिवार्य है। लेकिन ये देखा गया है कि जब भी हमारी टीम किसी पशुपालक के घर पर जाती है और उस पशु के टैग लगाने के लिए उनको कहती है, तो कुछ भ्रांतियों के तहत वो मना कर देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि टैग लगाने से हो सकता है हमारा जानवर का जो है बीमा हो गया, या सरकारी योजना सरकार के अंदर ये पंजीकृत हो जाएगा, ये सरकारी जानवर हो जाएगा, या इसके ऊपर कोई लोन सरकार दे देगी। तो कई भ्रांतियाँ जो है पशुपालकों के अंदर व्याप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो टैग लगाए जा रहे हैं ये उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। वो पशु इस टैग के जरिए से एक ऑनलाइन जो पोर्टल है इनाफ, उसके अंदर इसका नाम दर्ज होगा, पशुपालक का नाम दर्ज होगा, पशु की सारी डिटेल उसके साथ दर्ज होगी। तो ये सरकार का एक कार्यक्रम है, इनाफ के जो ऐप है उसके अंदर इनका पंजीकरण होगा। इसलिए पशुपालक भाइयों को किसी प्रकार की कोई भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं है। ये टैग लगाना अनिवार्य है और ये पूरे देश में सभी जानवरों के लगाया जा रहा है।